हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई डिस्कस ऑल दी फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन से बात करते हैं तो so, यहां पर हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है जनरल बैलेंस इक्वेशन एन वन मोल्स ऑफ ए विल रिएक्ट विद एन टू मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूसिंग एन थ्री मोल्स ऑफ सी एंड एन फोर मोल्स ऑफ डी तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इन्हीं इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के रेट ऑफ चेंज से डिनोट कर सकते हैं यहां पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन तो डी ए बाई डी टी जो है दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चूंकि ए रिएक्टेंट है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है तो डी ए बाई डी टी की टर्म नेगेटिव आएगी और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने यहां पर माइनस का साइन लगाया है तो यहां पर अगर हम बेसिक यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि वन बाई एन वन माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू वन बाई एन टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई एन थ्री प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाई एन फोर प्लस डी डी बाई डी टी सी ओ डी प्रोड्यूस हो रहे हैं डी डी सी बाई डी टी डी डी बाई डी टी जो है वो ऑलरेडी टर्म्स पॉजिटिव हैं इसके अलावा अगर यहाँ पर गैशियस आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह चेंज ऑफ प्रेशर भी पड़ सकते हैं एंड माइनस डी पी बाई डीटी इज इक्वल टू माइनस डीसी इन टू आर टी मैंने आइडियल गैस इक्वेशन पी वीज इकू एनआर टी यूज किया है यहाँ पे पी जो है वो प्रेशर को डिनोट कर रहा है और सी जो है इट डिनोट कॉन्सेंट्रेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैशियस सब्सटेंस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन आगे रेट ऑफ रिएक्शन को रेट uh, लॉ को लिखते हैं यहां पर तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के यहाँ पर रेट कांस्टेंट के है ए की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एम एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर एन तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम किसी भी इंस्टेंट पे देख सकते हैं कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट यहां पर एम और एन जो है दीज आर जनरली इंटीजर्स और हाफ इंटीजर्स एम जो होता है इट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी ए जो पावर्स हैं और जो टोटल पावर हो जाएगी सम ऑफ पावर एम प्लस एन जो है इट इज नोन एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये जो एम और एन है इन्हें हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते हैं दे आर नॉट इक्वल टू द स्ट्रेशियोमेट्रिक क्वेफिशेंट्स यहां पर एम और एन इन टर्म्स एन वन और एन टू से रिलेटेड नहीं है तो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया जा सकता है, जो है, मैं ही निकालना पड़ेगा तो यहां पर यह जो मैं बात कर रहा हूं, इस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें टेबल में डेटा दिया होता है अलग अलग इंस्टेंट पे ए बी की कॉन्सेंट्रेशन और रेट दिया होगा दो तीन एक्सपेरिमेंट्स होंगे उस डेटा को यूज करके हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं दिस क्वेश्चन इज कॉमनली आस्ड इन जेई एज वेल एज सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अब हम अलग से डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिएक्टेंट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इन टू ए टू वन तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है

तो ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस के टी और अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी हुई है दो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे कॉन्सेंट्रेशन है तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उन वैल्यूज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टाइम टी वन पे कॉन्सेंट्रेशन ए वन है टाइम टी टू पे कॉन्सेंट्रेशन ए टू है तो टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री लॉग ए टू अपन ए वन इज इक्वल टू माइनस के टी टू माइनस वन आप ध्यान रखेंगे t2 यहां पे पहले है तो a2 की टर्म ऊपर रखनी है इन दोनों को ऊपर नीचे मिक्स अप आप कोशिश करेंगे ना करने की ग्राफ देख लेते हैं यहां पे a कंसंट्रेशन ऑफ a जो है वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड करती है t के ऊपर एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ऑफ a और टाइम t का ग्राफ ये यह यहां पे एक्सपोनेंशियल डीके की फॉर्म में मैंने दिखाया है अगर हम ln log ले लेते हैं दोनों तरफ तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है ये जो इक्वेशन है इसको हम यहां पे यूज करेंगे एल एन एज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी तो यहां पर एल एन ग्राफ की अगर आप स्लोप देखते हैं ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप किसके बराबर होगी माइनस के के बराबर होगी ठीक है अगर यहां पर हम लॉक टू बेस टेन ले लेंगे तो आपको टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री का फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर

ट्रेशन तो मान लो टी जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी तो एक हाफ लाइफ के बाद उसका हाफ एक और हाफ लाइफर हाफ एंड सो ऑन आगे करते हैं, अगर एक सब्सटेंस दो अलग अलग प्रोसेसिस से साइमल्टेनियसली ब्रेक होता है तो दोनों प्रोसेस के जो रेट कॉन्स्टेंट है वो एडअप हो जाते हैं और टोटल रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द डीके ऑफ द सब्सटेंस बिकम इक्वल टू के वन प्लस

तो कॉन्सेप्ट यहां पर हमने डिटेल में देखा है इसके टाइप के न्यूमेरिकल फिजिक्स में भी आते हैं लेकिन केमिस्ट्री के जेई मेन के पेपर में भी रेडियो एक्टिव डिके के क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछे जाते हैं आगे मूव ऑन करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो माइनस डी ए बाई डी टीज के ए टू दावर जीरो यहाँ पे ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो जीरो है काफी सिंपल इक्वेशन आएगी ए इंटीग्रेट करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के इन टू टी टी इज द टाइम एट विच वी आर कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ए यहां पर के जो है इट इज द रेट कॉन्स्टेंट और टी हाफ हाफ लाइफ जो होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इट इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो अगर कोई भी इन जनरल एन एथ ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया हुआ है तो उसकी जो टी हाफ होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दी पावर एन माइनस वन तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप इसको ध्यान में रखिए फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो यहां पे एन की वैल्यू जीरो डालेंगे और डिनोमिनेटर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर बचेगी माइनस वन यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट

इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी दिस इज देशन के रेट कॉन्स्टेंट है कैपिटल ए जो है इट इज अ अस्टेंट इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन आर जो है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर मोल कैल्वन आप यूनिट्स का ध्यान रखिएगा आर की वैल्यू अगर आप एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल्स पर मोल कैलवन यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी को भी आप जूल्स में पुट करेंगे और टेम्परेचर को हम एक्सप्रेस करेंगे केल्विन के अंदर तो अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी लॉग के इज इक्वल टू लॉग टू दिन में यहां पे ले रहा हूं माइनस प्लस लॉग ए तो यहां पर के का वेरिएशन हम वन बाई टी के साथ अगर देखें टी की बजाय वन बाय टी को हम वेरिएबल मान लेते हैं तो आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है यहां पर लॉग के एक वेरिएबल हो गया इसको हम वाई से इक्वेट कर रहे हैं वन बाई टी इज अनदर वेरिएबल ये एक्स है तो एक्स के साथ जो भी टर्म आती है दैट इज द स्लोप तो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर जो हो गया वो उस लाइन की स्लोप हो जाएगी प्लस लॉग ए ए ये लॉग ए जो टर्म है दिस विल बी द वाई इंटरसेप्ट ठीक है तो आप ये ग्राफ बना के देख सकते हैं यहां पे मैं एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं यहां पर अगर हम लॉक टू द बेस टेन के की बात करें विद वन बाई टी तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा इस लाइन की स्लोप हो जाएगी माइनस ई ए बाई टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर और ये जो पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट इसकी वैल्यू होगी log ए के बराबर आगे मूव ऑन करते हैं तो यहां ये जो ग्राफ है ये आप ध्यान में रखेंगे log के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई बाई टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री आर वन बाय टी वन माइनस वन बाई टी टू तो यहां पे अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे दो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट हमें दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं इस अरेजियस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे के वन और टी वन एक इक्वेशन में आएंगे के टू और टी टू दूसरी इक्वेशन में आएंगे और फिर हम दोनों इक्वेश को डिवाइड कर देंगे वहां से ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए जो है ये कैंसिल हो जाता है और फिर दोनों तरफ लॉग लेने से हमारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है आगे मूव ऑन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक इस टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट फर्दर रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं तो ए से बी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट को हम के एफ लिखेंगे और बी से ए जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके रेट कॉन्स्टेंट को हम के बी से डिनोट कर सकते हैं तो के एफ हो जाएगा ए एफ ई टू दावर माइनस ई एफ बाई आर टी ए एफ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ई ए एफ जो है ये जो पूरी टर्म है ई एफ डिनोट्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी सेम इक्वेशन लिख सकते हैं टू पावर बाई आर टी ई ए बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है तो यहां पर अगर हम दोनों कॉन्स्टेंट्स को डिवाइड कर देंगे तो इक्विलिब्रियम ब्रियम कॉन्स्टेंट के आ जाएगा ियम इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट फाइन फॉरवर्ड अपॉन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ दैकवर्ड रहा दोनों डिवाइड करेंगे पावर माइनस e e e दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लेते हैं एल एन के विली इक्वल टू माइनस ईएएफ माइनस ई बाय आरटी आर टी ये जो टर्म होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द गिवन रिएक्शन इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है तो माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस एल एन ए एफ बाई ए बी तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स का रेशियो जो है दिस विल बिकम अनदर कॉन्स्टेंट तो फिर से आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के नेचुरल लॉग का ग्राफ वन बाई टी के साथ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा So, this was the required discussion for the topic chemical kinetics. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.